नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 72वां एपिसोड। आज है 21 सितंबर 2020 और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2020 को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें निकल कर आई है। साथ ही दोस्तों, प्रीटी जिंटा ने एम्पायरिंग पर सवाल खड़े किए हैं, क्या क्या कहा है उस पर भी बड़ी बड़ी अपडेट है। सारी खबरें इस वीडियो में बताएंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक के बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पहली बड़ी खबर की, तो ये आ रही है अश्विन की इंजरी से जुड़ी हुई। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन कल जो पंजाब दिल्ली का मैच हुआ था उस दौरान चोटिल हो गए थे और उनको लेकर बड़ी अपडेट है। दोस्तों, इंजरी अपडेट की अगर हम अश्विन की बात करें तो शोल्डर के डिसलोकेट होने का खतरा है। उनके फिजियो ने अभी बोला है कि अभी उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है। आपने जब मैच खत्म हुआ होगा तब देखा भी होगा, रविचंद्रन अश्विन हाथ में पट्टा बांधे हुए थे, तो अभी स्टेबल कंडीशन है। जांच आज शाम तक पूरी होगी, चांसेस है कि डिसलोकेशन हो सकता है। अगर डिसलोकेशन नहीं होता है, कंधा नहीं उखड़ता है उनका, तो कुछ मैचों बाद वापस आ जाएंगे। अगर डिसलोकेशन हो गया होगा तो दोस्तों वो इस आईपीएल से बाहर हो जाएंगे। तो ये अभी तक की अपडेट है जो हमने आप तक पहुंचा दी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की, तो ये आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम के हवाले से। बेन स्टोक के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना पहला मैच चेन्नई के साथ खेलने वाली है और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जॉस बटलर अपना पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जॉस बटलर क्वारंटाइन में है और अभी तक उनकी कुछ जांचें भी बची हुई है, आप न्यूज देख पा रहे होंगे, और इसीलिए रिपोर्ट यही है, खबर यही है कि वो पहला मैच नहीं खेलेंगे। वो उनके स्थान पर किसकी एंट्री होगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की, तो ये आ रही है दोस्तों आईपीएल के तीसरे मैच से जुड़ी हुई। आरसीबी और एसआरएच की टीमों के बीच तीसरा मैच होगा। अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में दोस्तों मोहम्मद नबी की एंट्री पक्की मानी जा रही है। आप स्क्रीन पर एक टीम देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों माई 11 सर्कल की हमारी टीम, हमने ये टीम खिलाई है सौरव गांगुली के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, सौरव गांगुली ने अपनी खुद की टीम बनाई है माई 11 सर्कल ऐप पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मौजूद है, फटाफट जाइए माई 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप दादा की टीम को हरा देते हैं ना तो आपको अपने जीते हुए अमाउंट का डबल पैसा मिलने वाला है। जैसे ही दोस्तों आप इस ऐप को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में से डाउनलोड करेंगे, अपना पहला पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, तो इस ऐप की तरफ से 1500 रुपए आपको मिलेंगे। और अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव सब्सक्राइबर है ना तो नया अकाउंट बनाएंगे 20% का डिस्काउंट भी आप पा सकते हैं। हर हफ्ते से ऐप पर 1 करोड़ रुपए के प्राइजेस बांटे जा रहे हैं इस पूरे क्रिकेट कार्निवल के दौरान। और एक और बड़ी चीज दोस्तों, सौरव गांगुली, राशिद खान और शेन वॉटसन का भरोसा है, ये तीनों इसके ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ पर टीम बनाना, यहाँ से पैसे निकालना, यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करना बहुत आसान है। बहुत सारे लोग करोड़ों जीत भी चुके हैं, हमारी टीम भी आप देख पा रहे होंगे। देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स को अभी खोलिए और फटाफट माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की, तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है केकेआर की आइडियल प्लेइंग 11 से जुड़ी हुई। सुनील गावस्कर जो कि भारत में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड है क्रिकेट के, उन्होंने केकेआर की टीम बनाई है। जी हाँ दोस्तों, केकेआर के पहले मैच में कैसी टीम रह सकती है उस पर गावस्कर ने अपनी राय दी, उनकी पूरी टीम आप देख पा रहे होंगे। अब आप बताइए दोस्तों, आपको ये टीम कैसी लगी? मुझे तो परफेक्ट लगी, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की, तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल के दूसरे मैच से जुड़ी हुई। एम्पायरिंग को लेकर एक बड़ा घमासान और बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि प्रीटी जिंटा ने आईपीएल के दूसरे मैच में जो एम्पायरिंग के स्टैंडर्ड है उस पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। दरअसल दोस्तों, आप एक तस्वीर देख पा रहे होंगे जिसमें जब क्रिस जॉर्डन बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्होंने तेजी में 2-3 रन्स लिए थे। जब वो एक रन कंप्लीट कर रहे थे तब उनका बल्ला तो क्रीज के पार पहुंच गया था, वो रन्स जो था वो वैलिड था, लेकिन एम्पायर ने यह कह दिया कि वो जो बल्ला है वो क्रीज को लाइन को क्रॉस नहीं किया है और इसीलिए 1 रन घटा दिया गया था एम्पायर्स के द्वारा उस समय पंजाब की टीम के टोटल का। ऐसी स्थिति में दोस्तों आखिरी में मैच तो 1-1, 2-2 रन पे ही आकर फंस गया और पंजाब की टीम हार गई। और पीटी जिंटा ने यही सवाल उठाया है कि अगर इस तरह से एम्पायरिंग में फ्लॉज होते रहेंगे तो जो टेक्नोलॉजी हम लोग लेके बैठे हैं उसको क्या करेंगे, क्या सिर्फ वो देखने के लिए है? ट्वीट भी दोस्तों आप उनका देख पा रहे होंगे, आकाश चोपड़ा साहब ने भी इस पर ट्वीट किया, वीरेंद्र सहवाग ने भी इस पर ट्वीट किया। आप भी अपनी राय कमेंट में बताइए, क्या टेक्नोलॉजी को जगह ले लेनी चाहिए या फिर 1-2 एम्पायरिंग डिसीजन अगर बुरे हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की, तो ये आ रही है दोस्तों आईपीएल में खिलाड़ियों के मोटापे से जुड़ी हुई। दोस्तों, आईपीएल का पहला मैच हुआ था मुंबई
मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों के बीच, और इस मैच में खिलाड़ियों का बहुत मजाक उड़ाया गया। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इनका मजाक उड़ाया। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा की एक फोटो को वायरल किया गया जिसमें पूर्व भारतीय हॉकी के कप्तान ने कहा कि इस तरह की फिटनेस पे कोई सा भी खेल नहीं खेला जाता। उस पर दोस्तों हर्षा भोगले साहब ने भी बोला कि हाँ ऐसा है, लोग जो प्लेयर्स है वो अनफिट है। दरअसल दोस्तों खिलाड़ियों का अनफिट होना जायज भी है, बहुत लंबे समय से प्लेयर्स ने क्रिकेट खेला भी नहीं है, लेकिन क्या आप इतने ज्यादा अनफिट हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स फिट भी है, ये भी एक बड़ा सवाल है जो इन सारे लोगों ने पूछा। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या प्लेयर्स अनफिट है या फिर क्रिकेट में सब चलता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है हरभजन सिंह के हवाले से। हरभजन सिंह ने अंबाती रायडू को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अंबाती रायडू को वर्ल्ड कप में ना लेना, वर्ल्ड कप में, क्योंकि पिछले साल वर्ल्ड कप में अंबाती रायडू को नहीं लिया गया था, बहुत बड़ा अन्याय था। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अंबाती रायडू की साफ साफ जगह बन रही थी लेकिन सेलेक्टर्स ने अपनी जिद के कारण नहीं लिया। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सचमुच अंबाती रायडू की पिछले साल वर्ल्ड कप में जगह बननी थी 2019 के इंग्लैंड में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो ये गावस्कर के हवाले से निकल कर आ रही है। द ग्रेट लेजेंड सुनील गावस्कर ने केकेआर पर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि कार्तिक को रिप्लेस कर सकते हैं वेन मॉर्गन। दोस्तों हम लंबे अरसे से बोल रहे हैं कि केकेआर की कप्तानी एक वीक फ्लॉ हो सकता है, और गावस्कर भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आपके पास मॉर्गन बैठे हैं, विश्व विजेता कप्तान, उनको आप कप्तान बना लीजिए, हो सकता है इस साल के आईपीएल में ऐसा कुछ हमें देखने को भी मिल जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल में ऑरेंज कैप से जुड़ी हुई। आईपीएल में ऑरेंज कैप की रेस शुरू हो चुकी है। मयंक अग्रवाल नंबर एक पर चल रहे हैं, रायडू दो पर, प्लेसेस तीन पर। आज के मैच के बाद बहुत सारे समीकरण बदल जाएंगे, पर इस मैच से पहले, तीसरे मैच से पहले यही समीकरण है। दसवीं खबर है दोस्तों पर्पल कैप को लेकर। पर्पल कैप में भी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मोहम्मद शमी नंबर एक पर है, एनगीडी दो पर है, अश्विन तीन पर चल रहे हैं। अश्विन शायद बाहर हो जाए, आज कुछ नए खिलाड़ियों की एंट्री होगी। जो भी होगा कल आपको क्रिकेट फटाफट के एपिसोड्स में सब कुछ पता लग जाएगा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एंड तक तो वीडियो आपने देख लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिए। माय 11 सर्कल पर जाकर अपनी टीम जरूर बना दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।